मिस्टर वर्मा अपनी बीवी और उनके दो बच्चों के साथ अभी अभी नए बंगले में शिफ्ट हुए थे। मिस्टर वर्मा अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जब शाम को वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी किसी ने खराब कर दी है। तो मिस्टर वर्मा सभी को पूछताछ के लिए बाहर बुलाते हैं। तो उनकी बीवी कहती है कि मैं तो पड़ोसी के घर बातें करने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। और उनका बेटा कहता है कि मैं तो अपने फ्रेंड के घर खेलने गया था, मुझे भी कुछ नहीं पता। फिर बाद में उनकी बेटी कहती है कि मैं तो घर के अंदर टीवी देख रही थी, मुझे भी कुछ नहीं पता। मिस्टर वर्मा उन तीनों की बातें ध्यान से सुनते हैं और पास पड़ोस में अच्छे से देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि गाड़ी किसने खराब की है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो क्या कि गाड़ी इन तीनों में से किसने खराब की होंगी? तो भाई जरा अच्छे से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, गाड़ी तो मिस्टर वर्मा की बीवी ने खराब की है, क्योंकि भाई देखिए पड़ोसी के घर पर तो पहले से ही ताला लगा हुआ है। और दूसरी बात, उस घर के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब वो घर बेचने के लिए रखा है। तो फिर मिस्टर वर्मा की बीवी पड़ोसी के घर जाकर बातें कैसे कर सकती है? इसका मतलब मिस्टर वर्मा की बीवी झूठ बोल रही है। तो दोस्तों, इतनी मजेदार पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आई है जिसमें आपको माचिस की तीलियों से बने कई ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से आपको कोई भी माचिस की दो तीलियां उठानी है, जिससे कि यहाँ पर इतने सारे ट्रायंगल में से केवल सिर्फ 8 ट्रायंगल रह जाए। यानी आप सिर्फ कोई भी दो तीलियों को ही उठा सकते हो और आपको यहाँ पर 8 ट्रायंगल बनाने हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, आपको सिर्फ दो तीलियों को ही उठाना है, बाकी तीलियों को आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। तो भाई जरा ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, आपको दो तीलियों को कुछ इस प्रकार उठाना था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तीलियाँ उठाकर 8 ट्रायंगल बन गए हैं। यकीन नहीं हो रहा तो चलिए गिनकर देखते हैं। यह देखिए, पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवा, सातवा और ये आठवा। दोस्तों, आप में से किस किस ने ये पजल सॉल्व की थी, तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आई है, तो इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए और अब हमें बताइए इनमें से कौन सी पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब
बाकियों से अलग है। तो भाई जरा ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये थर्ड नंबर वाली पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। तो दोस्तों क्या आपने ये पिक्चर सही गेस की थी क्या, तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चौथी पहेली। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि यह किस मूवी का नाम है, तो दोस्तों उसका सही जवाब है उस मूवी का नाम है क्योंकि। दोस्तों इस पजल का जवाब आप में से सभी लोगों ने सही दिया है, परंतु भाई टाइम की अहमियत को देखते हुए हम सभी का नाम तो वीडियो में ले नहीं सकते ना, तो उन पांच लकी विनर के नाम ये रहे: प्रवीण यादव, राहुल गोयल, शुभांगी ठाकरे, रश्मि जैन, एमडी सरफराज। दोस्तों आप पांचों को मनोरंजन मसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। दोस्तों इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए और अब हमें बताइए कि इस पिक्चर में क्या गलत है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती है, तो भाई देरी कैसे, जल्दी से कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में उन पांच लकी विनर में आपका नाम भी शामिल हो। तो चलिए देखते हैं लास्ट पहेली। दोस्तों एक लड़के ने एक लड़की से उसका नाम पूछा, तो लड़की ने कहा मेरा नाम इस पिक्चर में लिखा हुआ है। तो भाई उस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए क्योंकि दोस्तों लड़का तो पहले ही नाम बताने में कंफ्यूज हो गया है। तो क्या भाई आप बता सकते हो क्या कि लड़की ने अपना नाम क्या कहा होगा? तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों पता चला क्या आपको कि लड़की का नाम क्या है? नहीं पता? अरे यार यह तो बहुत ही सिंपल था। लड़की ने अपना नाम मिताली मालपानी कहा। देखिए भाई सबसे पहले लड़की मी कह रही है और बाद में थाली है, तो वो हो गया मिताली, और बाद में है पैसे की पुटली जिसे हम माल कहते हैं ना, और लास्ट में है ग्लास में है पानी, तो वो हो गया माल पानी। दोस्तों लड़की का नाम सही गेस करके किस किस ने लड़के का कन्फ्यूजन दूर किया था, तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।